युवा विरोधी नरेंद्र मोदी राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडिया यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी युवा विरोधी। वापस लो अग्निपथ, वापस लो। जिस तरह से पूरे देश में युवा क्रोश में अपने आप को है कि उसका भविष्य अंधकार में है, जो युवा उनके खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनकी गलती उनको बताना चाहता है, उनको दबाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर वो नेता, वो देश का बेटा, तो कितने सालों से युवाओं की बात रख रहा है, कितने सालों से युवाओं के भारत के युवाओं के मुद्दे रख रहा है, उसको भी दबाने का काम ईडी के जरिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी इस देश का वो बेटा है जो इस देश के लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे मोदी जी चाहे, चाहे बीजेपी चाहे, ईडी का जोर लगा दे, बीडी का जोर लगा दे, लेकिन वो देश का बेटा डरने वाला नहीं है और हम उनके साथ हैं। और जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, देश के उन नेता जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं, उनके साथ ये बदले की राजनीति खत्म नहीं होती। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी, करते आई है, और जब तक बीजेपी सरकार अपनी गलतियों को नहीं पहचानेगी, ये करप्ट बीजेपी सरकार, तब तक हम लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़कों में रहेंगे। उदय जी, बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि ये बीजेपी के नेताओं ने कल खुद बोल दिया कि ये जो 4 साल का ट्रेनिंग जो भाड़े में ये फौज को रखना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को भाड़े में लोगों को, भारतीय युवाओं को रखना चाहते हैं, फौज के बाद देश की सेवा करने के बाद वो बीजेपी का, बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदारी करेगा। भारत के जो देश के सिपाही हैं, इंडियन आर्मी के जो सिपाही हैं, उनकी आप ये इज्जत रख रहे हो कि वो आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदार करेगा। वो माँ का लाल है जो अपनी जान भी दे देगा देश को बचाने के लिए, उसको अगर आप बोलोगे कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेगा, इसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इंडियन आर्मी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इससे पास हो गया, पर्दाफाश हो गया बीजेपी की नीयत क्या है। ये 4 साल की स्कीम और कुछ नहीं, युवाओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश है, और सबसे बड़ी बात युवा इसको समझ चुका है, और यही कारण है पूरे देश भर में युवा क्रोश में है, प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है बीजेपी सरकार से, इस करप्ट बीजेपी सरकार से, कि हमारा भविष्य जो है उसको अंधकार में मत डालो। युवा जो बीजेपी है आज, ये जो डिसीजन ले रही है, इनको कोई गर्दोरी नहीं हुई, ये आपस में गर्दोरी लेकर नहीं आए थे, युवाओं ने वोट डाला था। और इस सरकार में अगर युवाओं को दबाने लगा नहीं, युवा अगर अंधकार में जाता है तो जाए, अंधकार में जाता है तो जाए। हम इतने अहंकारी हैं, हम अपना गलत डिसीजन वापस नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं। ये वही युवा है जिसने आपको सत्ता में बैठाया था, और यही युवा है अगर इसके भविष्य को अंधकार में भेजने की बात करोगे। नहीं चलेगी। अरे बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। उदय
जिस तरह से ये दादागिरी चल रही है ये बर्दाश्त नहीं होगी। हम भारत के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, उन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं जिनका भविष्य बीजेपी दबाना चाहती है। और अगर ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ईडी का जोर लगाओ, पुलिस का जोर लगाओ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन उस केस में जिसने कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, और इस समय में राहुल गांधी देश के युवाओं की आवाज उठा रहा है, ये सच्ची बात है कि सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं। इसको भारतीय युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।